आज हम बनाएंगे मुंबई की बहुत ही फेमस चटपटी चटाकेदार चना चाट, जिसे आप सुबह या फिर शाम के स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बनाते हैं इस चटपटी से रेसिपी को। इसे बनाने के लिए हमने एक कप काले चना को 7 से 8 घंटे भिगो लिए थे। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। अब इस चने को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम 2.5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी नमक डालेंगे। कुकर का ढक्कन लगाकर 7 से 8 विसल तक इसे हम पकने देंगे। चने को हमने स्ट्रेनर में निकाल लिया है और ये देखिए चना काफी अच्छी तरह से हमारी पक चुकी है। अब हम एक कटोरी में लेंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच हम सबसे पहले लेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच लेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हम लेंगे काला नमक, 1 चम्मच लेंगे हम यहाँ पे चाट मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक लेंगे। सभी मसाले को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। पानी डालकर हम इन मसालों का घोल तैयार कर लेंगे। अब हम लेंगे एक पैन में 1 छोटी चम्मच सरसों तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को लो कर लेंगे। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 से 1.5 चुटकी हींग का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक का इस्तेमाल करेंगे। 15 से 20 सेकंड के लिए इन सभी को हम पका लेंगे। उसके बाद इसमें हम तैयार किए हुए मसालों का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। चलाते हुए इन मसालों को हमें पकाना है जब तक इन मसालों में तेल रिलीज ना हो जाए, तेल अच्छी तरह से ऊपर ना आ जाए। तो देखिए मसाले काफ़ी अच्छी तरह से पक चुके हैं, मसालों में तेल भी हमारा अच्छी तरह से रिलीज हो गया है। अब हम इसमें उबाले हुए चने को डालेंगे और अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करेंगे। तो देखिए मसालों को हमने अच्छी तरह से चने के साथ मिक्स कर लिया है और चलाते हुए इसे हमने 1 से 2 मिनट के लिए और पका लिया है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और जो चने हैं इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे चने को पूरी तरह से ठंडा कर लिया और उसे हमने एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर, 1 उबला हुआ आलू जिसे हमने बिल्कुल छोटे पीस में काट लिया है, बारीक कटी हुई खीरा, थोड़े से मैंने कच्ची कैरी का इस्तेमाल किया है बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट के, थोड़े से इसमें हम फ्रेश धनिया के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर से हम 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे और साथ ही में इसमें हम 1/2 नींबू के रस का इस्तेमाल करेंगे। सभी चीजों को हम एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। एकदम ही चटपटी चना चाट हमारा तैयार है। तो चलिए इसे करते हैं हम एक प्लेट में सर्व। आप अगर ज्यादा तीखा पसंद करते तो इसमें आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी अब नायलॉन सेवे का इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर, इससे चाट काफी अच्छा दिखने में लगेगा। इसमें हम मिर्ची और नींबू का भी इस्तेमाल करेंगे एकदम बिल्कुल ही मार्केट लुक देने के लिए। हमारा चना चाट बनकर बिल्कुल तैयार है एंजॉय करने के लिए। अगर आपको मेरी आज की सिंपल इजी चटपटी सी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलती हूँ बहुत ही जल्द और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।